सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं ये जोई को डॉक्टर के पास लेकर। इसका वैक्सीनेशन था, तो वैक्सीनेशन तो हो गया था, तो कोई एक बूस्टर डोज आता है जोई के लिए, तो इसका वैक्सीनेशन तो हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि चलो वो भी दे ही देते हैं। एंड इसको पता नहीं स्किन एलर्जी हो रही है बारिश के पानी के वजह से, तो वो भी दिखा के लेकर आना है। तो अभी इसको हम लोग लेके जा रहे हैं फिलहाल डॉक्टर के पास। और देखो ये कहते शांत बैठी है, वरना अगर ये किसी दूसरे के साथ जाए तो इसके मुंह में होता है मफलर, सबको भौंकती रहती है और काटती रहती है। अभी ये बहुत शांत बैठी है, तो एकदम बिचारी बन के बैठी है, तो ऐसे ही बैठ कर पहुँचते हैं एंड फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है, क्या कर सकते हैं, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। हम जाते हैं इसको लेकर। जोई क्या आप रेडी हो वैक्सीनेशन के लिए? जोई मुंह मत फेरो, रेडी हो या नहीं हो? हाँ बोलती है, इतना जोर से मुंह खोला। हाँ ओके लेट्स गो। देखो रिक्शा वाला कैसे धीरे धीरे चला रहे, ऐसे फिर ट्रैफिक बढ़ेगी नहीं क्या? तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए जोई के डॉक्टर के पास, और ये रही जोई, इतनी एक्साइटेड थी खुद ही हमको लेकर आई है यहाँ तक, और अभी भी एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर कुछ काम चल रहा है, हमें रुकना पड़ रहा है। और जोई भी मस्त ऊपर आके बैठी है, नीचे बैठने बोला तो मस्त एकदम हमारे साथ हमारे लेवल में ऊपर आके बैठी हुई है। देखो डॉक्टर को दिखाकर हो चुका है एंड डॉक्टर ने बोला शी इज़ गुड टू गो एंड वैक्सीनेशन। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि हमको मेल आया था, तो मुझे लगा कि जाना है वैक्सीनेशन के लिए, बट वैक्सीनेशन उसका ऑलरेडी हो चुका था एंड जो बूस्टर था 9 in 1 करके एक आता है वो भी हो चुका था। तो कोई नहीं, हम लोग आ गए, डॉक्टर को थोड़ा दिखा भी दिया जोई को, जोई का वेट चेक भी हो गया। लास्ट वीक आया था तो उसका वेट 1 किलो कम हो गया, मतलब 1 वीक में उसका वेट कम हो चुका है, तो ये बात अच्छी है। और यहाँ पर हमारी जोई, और ये देखो हम आए हैं अभी डॉग्स वर्ल्ड में कुछ सामान खरीदने, ट्रीट्स वगैरह एंड थोड़ा क्रीम वगैरह इसके लिए, लेकिन पता नहीं अब उसके पैर में जो हुआ है उसके लिए तो ऑलरेडी क्रीम हम लगा रहे हैं, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। सो अभी भावना भी फाइनली निकल रही है, और जोई देखो कैसे देख रही है उसको। जोई वेयर इज भावना? भावना वहां से निकल रही है, जोई ने उसको देख लिया, वो देखो आ रही है पीछे से और जोई उसी को देख रही है घूर घूर के एकदम। सो गाइस यूएस में आप लोग ने वॉलमार्ट के ब्लॉग्स तो बहुत देख रहे हैं, आज मैं आ गया हूँ डीमार्ट मॉम के साथ और बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। फटाफट जोई को डॉक्टर के पास लेकर गए थे एंड जैसे ही उसको घर पे ड्रॉप किया तो मम्मी ने बोला कि मुझे डीमार्ट जाना है, तो अभी हम लोग डीमार्ट आ चुके हैं और अभी शॉपिंग देखो कितनी ज़्यादा कर ली है। ये देखो ये हमारा पूरा कार्ट है, मैं इधर इसको लेके खड़ा हूँ और मॉम उधर गई है और भी शॉपिंग करने, और ये आ गई वो लेकर। चलो अभी इसको इधर ही पार्क कर दें और घूम कर आते हैं, क्योंकि वो कार चल रहा नहीं है, उसका टायर नहीं चल रहा है। अभी डीमार्ट घूमने आ गए, वॉलमार्ट के ब्लॉग्स तो आपने देख लिया, अभी डीमार्ट के ब्लॉग्स देखो। अभी मॉम के साथ शॉपिंग भी हो गया है, मॉम को ड्रॉप कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बड़ी बहन के घर पे, आज वहीं पर पार्टी का प्लान है, तो बस वहाँ पर चले जाऊँगा आज, मतलब अभी ऑन द वे हूँ तो जा ही रहा हूँ। एंड फिर कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो वो भी करेंगे एंड आपको बता देंगे फिर क्या है वो इम्पोर्टेंट काम, कल हमको जाना है। बहुत ट्रैफिक हो गई यार थाने में, पहले तो फिर भी ठीक था, अभी देखो पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और द थिंग इज बारिश भी हो रही है, प्लस जो यहाँ पर जो डाइवर्शन बना के रखे ना, एक टाइम के लिए अच्छा भी है और एक टाइम के लिए बुरा भी है, क्योंकि मेरे घर के बाजू से एकदम कट था, बट अभी यहाँ पर पूरा नीचे आके फिर यू टर्न मारना पड़ता है। कोई नहीं चलता है। ये देखो गाइस जोई ऊपर से भौंक रही है मुझे देखकर, कम वो देखो अभी घर जाके हालत खराब। जोई जोई चलो 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 अंदर चलो चलो अंदर चलो 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 कुछ नहीं कुछ नहीं सिट सिट डाउन पर आ गए तो छोड़ने नहीं वाली है। ये देखो ये देखो The next day. So good morning guys. ये है new day और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं रेडी हो चुका हूँ और हमको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारा, तो मुझे जाना है अभी फटाफट यहाँ से महालक्ष्मी के मंदिर, नहीं जा रहा हूँ महालक्ष्मी एक एरिया है वहाँ पर जाना है। और जोई देखो वहाँ पर, जोई से हाय हाय बोलो, उसे पता चल गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ और उसे नहीं लेकर जा रहा हूँ, तो इसलिए वो दुखी बैठी है। अभी फटाफट चाय पीते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं, जो भी है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और इसको खेलने का मूड आ गया, ये देखो अभी ये टग ऑफ वॉर खेलेगी मेरे साथ।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए माँ लक्ष्मी में और ये रहा हमारे सामने है रेस कोर्स और हम लोग यहाँ पर गाड़ी में रुके हुए क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं और यहाँ पर अंदर लेते नहीं है तो जब टाइम होगा अभी कुछ 10:30 बज रहे हैं 11 बजे अंदर लेते हैं वो लोग तो जैसे ही 15 मिनट थोड़ा गाड़ी में बैठेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे एंड फिर अंदर जाके देखते क्या होता है। वैसे तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी है, जैसे ही होगा टाइम फिर अंदर जाएंगे एंड फिर आपको आकर मिलेंगे या फिर देखते हैं जैसा भी होगा जो भी होगा आपको बता देंगे। वैसे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहा है तो आप गेस करो कहाँ का बायोमेट्रिक्स हो रहा है और आपको धीरे धीरे पता लगते जाएगा। ये है इंडिया में वीजा ऑफिस का नजारा, ऐसे वेटिंग कराते हैं यहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि फटाफट आए तो भैया टाइम पर निकाल लो लोगों को, रुके रहो बैठो यहाँ पर और क्या। सो गाइस यहाँ पर इतने सारे वीजा ऑफिस है और हम लोग का बायोमेट्रिक्स जो है वो हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें से आप गेस करके देख सकते हो कि कौन सा वीजा हम अप्लाई कर रहे हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। तब तक आप गेस करो, फिर हम आपको बाद में बताएंगे जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बस 2 घंटे की ड्राइव से वापस थाने और मस्त घर पे आके थोड़ा आराम करेंगे यार। सो अभी हम लोग आ गए घर से बाहर फिलहाल, जल्दी गाड़ी पार्क और हम आ गए हैं मोमोज खाने के लिए। एंड आज हमने सोचा कि चलो थोड़ा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर लेते क्योंकि बहुत दिन हो गया कुछ बाहर का नहीं खाया, अभी तक सिर्फ घर का ही खा रहे थे तो अभी हम लोग बाहर आके खा रहे हैं और यहाँ पर है डम्पलिंग्स। तो ये आ गया हमारा चिकन डम्पलिंग्स और इसे खाएंगे फिर आपको बताएंगे। मेयोनीज और चटनी के साथ स्ट्रीट फूड में डम्पलिंग्स खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है।